एवरीवन, वेलकम टू गेट एकेडमी। जैसे कि हमने लास्ट वीडियो में डिस्कस किया था अबाउट क्विक सैंड कंडीशन, जिसे हम सैंड बॉइलिंग या पाइपिंग फेलियर के नाम से भी जानते हैं, इस वीडियो में उसी डिस्कशन को मैं एक्सटेंड करता हूं एंड वी कैन डिस्कस हियर। सी, आई हैव गिवन द नेम क्विक सैंड कंडीशन और सैंड बॉइलिंग। कैन आई गिव द नेम क्विक क्ले कंडीशन और क्विक ग्रेवल कंडीशन? नो, आई कैन नॉट गिव दिस नेम। वाई? बिकॉज दिस फेलियर विल नॉट ऑकर इन क्ले एंड विल नॉट ऑकर इन द ग्रेवल। इट ऑकर्स ओनली इन द केस ऑफ सैंड्स। दैट्स वाई द पीपल हैव गिवन द नेम क्विक सैंड कंडीशन। लेट मी एक्सप्लेन वाई दिस पाइपिंग फेलियर डजेंट ऑकर इन द केस ऑफ ग्रेवल एंड इन द केस ऑफ क्ले। सी, फर्स्ट लेट मी एक्सप्लेन अबाउट द सैंड्स। इफ आई टॉक अबाउट सैंड्स, in the case of sandy soil, what happens if I talk about the shear strength of the soil, it is equal to C plus sigma n bar tan phi. This I know from the Mohr-Coulomb's theory. Since I am talking about the sandy soil, so here in the case of cohesionless soil, C equal to 0 for sands. Now final equation of shear strength of the soil, we have sigma n bar into tan phi. As I know, in the quicksand condition, what happens? Quicksand condition में हमारे पास ये जो इफेक्टिव स्ट्रेस है उसका वैल्यू क्या हो जाता है? जीरो। Why? Because हम जानते हैं, हमने डिस्कस किया था प्रीवियस वीडियो में, जैसे ही वाटर अपवर्ड डायरेक्शन में फ्लो होता है, जिसके कारण इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो सकते हैं? इट कैन रिड्यूस टू जीरो। यदि इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो तक पहुँच जाते हैं, इन दैट केस सॉइल विल बिकम लाइक ए लिक्विड, it will flow with the water. So in that case, let me consider कि suppose quicksand condition occur हो रहा है, तो effective stress zero हो चुके हैं। अब सोचिए, यदि effective stress zero हो गए हैं तो इसका result क्या मिलेगा? आपकी shear strength भी क्या हो चुकी है? Soil की zero हो चुकी है। If the shear strength of the soil becomes zero, it has become like liquid. ये पानी की तरह बिहेव करेगा, इट विल शो द बिहेवियर लाइक फ्लूइड। फ्लूडिटी सॉइल की बढ़ चुकी है, नाउ इट विल स्टार्ट फ्लोइंग विद द वाटर। तो डैम के नीचे पाइपिंग फेलियर ऑकर होगा, सॉइल पूरी तरीके से फ्लो कर जाएगा वाटर के साथ में। ये कब होगा? जब इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होते हैं, और चूंकि आपके सैंड सॉइल में कोहेजन नहीं होता है, इसलिए शेयर स्ट्रेंथ भी क्या हो गई है? जीरो हो गई है, इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होने के कारण। दिस हैपेंस इन द सैंड्स ड्यू टू क्विक सैंड कंडीशन। बट इफ आई टॉक अबाउट क्ले, then what happens in the case of clay soils? In the case of clay soils, मैं वापस shear strength की equation लिखना चाहूँगा, tau f equal to C plus sigma n by tan phi. This is the equation of clay. Now what is happening, you people should understand, यहाँ पर इस equation में आपका frictional resistance है plus साथ में cohesion भी है। इफ आई सपोज, इफ आई कंसिडर कि यहाँ पर क्विकसैंड कंडीशन ऑकर हुआ है, अपवर्ड फ्लो ऑकर हो रहा है सॉइल में, जिसके कारण सॉइल के जो इफेक्टिव स्ट्रेस है वो पूरी तरीके से क्या हो चुके हैं? जीरो हो चुके हैं। आफ्टर वेन दिस इफेक्टिव स्ट्रेस बिकम जीरो, देन ऑल्सो वी हैव सम वैल्यू ऑफ शेयर स्ट्रेंथ एंड दैट इज इक्वल टू कोहेजन सी। आप देखिए, यदि मैं कंपेयर करूँ, यहाँ पर सेंट सॉइल में शेयर स्ट्रेंथ जीरो हो रहा है, इसलिए वाटर के साथ में सॉइल फ्लो कर रहा है, फेलियर इज कॉल्ड पाइपिंग फेलियर, जो कि सैंड्स में ऑकर हो रहा है। यहां पर क्या पार्टिकल्स फ्लो करेंगे? नो, पार्टिकल्स विल नॉट फ्लो। वाई? बिकॉज सॉइल हैज सम वैल्यू ऑफ स्ट्रेंथ इक्वल टू कोहेजन। भले ही वहां पे क्विक सैंड मतलब इफेक्टिव स्ट्रेस जुड़े हो चुके हैं, लेकिन सॉइल की शेयर स्ट्रेंथ जीरो नहीं हुई है, इट हैज सम वैल्यू, सो इट विल नॉट फ्लो। सो क्विक क्ले कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। क्विक सैंड कंडीशन इज पॉसिबल, क्विक क्ले कंडीशन इज नॉट पॉसिबल। बात करता हूं मैं ग्रेवल की। यदि हम बात करें ग्रेवल की, तो ग्रेवल, यदि मैं आपको कहूं कि यदि मैं आपको एक बैग ग्रेवल का दूं, एक बैग आपको क्ले का दूं, दोनों में सेम वॉल्यूम है, सेम टेम्परेचर की सॉइल है, दोनों में सेम टेम्परेचर का यदि मैं लिक्विड डालूं, वॉल्यूम ऑफ वाटर सब सेम डालूं यदि, तो कौन से केस में आपको वाटर फर्स्ट मिलेगा? डेफिनेटली ग्रेवल के केस में, क्योंकि ग्रेवल में मैंने आपको बताया था परमेबिलिटी हमारे टॉपिक के अंदर, कि ग्रेवल के केस में वॉइड्स जो है वो कम है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड्स इज लेस, बट ऑल द वॉइड्स आर इंटरकनेक्टेड। If the voids are interconnected, then what will happen? As you give the water, water immediately will flow. क्योंकि water की permeability क्या है, मतलब soil की permeability क्या है? ज़्यादा है। जब soil की permeability ज़्यादा है, gravel का size particles का बड़ा होता है, voids interconnected है, तो
वाटर जो है हाई हेड से लो हेड की तरफ जब फ्लो करता है डैम के केस में, जैसे आप यदि मेरे प्रीवियस वीडियोस देखेंगे तो पता आपको चलेगा, तो आप स्ट्रीम से डाउन स्ट्रीम की तरफ जाते समय वाटर इमीडिएटली वाटर फ्लो हो जाएगा, सॉइल विल नॉट फ्लो इट. सॉइल विल नॉट फ्लो वाई, बिकॉज मैं जानता हूँ कि क्यू इज इक्वल टू के आई ए होता है फ्रॉम डार्सिस लॉ. तो मुझे यहाँ से एक आइडिया मिलता है कि जो आपकी कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी है दैट इज द इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू आई, और आई कैन से आई इज इन्वर्सली प्रोपोर्शनल टू योर कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी. मुझे पता लग गया, जैसे मैंने एग्जांपल दिया आपके पास वन बैग ग्रेवल है, वन बैग क्ले है, ग्लास पानी डालो, पानी इमीडिएटली फ्लो जाता है. वाई? बिकॉज द क्ले हैज लेस परमिएबिलिटी एंड द ग्रेवल हैज अ हाई परमिएबिलिटी. वॉइड्स आर इंटरकनेक्टेड. तो यहां पर आप देखिए, यदि मैं ग्रेवल की बात कर रहा हूं तो ग्रेवल के केस में कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी क्या होती है? बहुत ज्यादा होती है एज कंपेयर टू क्ले, एज कंपेयर टू सैंड्स. कोफिशियंट ऑफ परमिएबिलिटी यदि बहुत ज्यादा है तो यहां पर क्या हो रहा है, आपका हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो है वो क्या है, बहुत कम है. इफ द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज वेरी लेस, सो इट विल नेवर रीच द वैल्यू ऑफ क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट विच इज इक्वल टू जी माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस ई. तो आपका ये जो ग्रेवल के केस में हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बनता है, इट्स वैल्यू इज वेरी लेस एज कंपेयर टू क्रिटिकल वैल्यू, और इस सिचुएशन में आपकी फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी क्या निकल जाती है, ग्रेटर देन वन. So it will never happen in the case of gravel, soil will not flow. Means quick gravel condition is also not possible. So the condition is possible only in the case of sands. इसलिए we people have given the name quick sand condition, not the quick clay, not the quick gravel condition. ये जो failure है piping का, ये सिर्फ और सिर्फ sands में होगा, ना clay में होगा, ना gravel में होगा. इस quick sand condition पर based जो gate में problems पूछे गए हैं वो हम solve करते हैं इस video में. तो देखते हैं कुछ problems. एक प्रॉब्लम मैं यहाँ पर ले रहा हूँ जो कि गेट 2016 में पूछा गया था. एंड द प्रॉब्लम इज द रिलेशनशिप बिटवीन स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सैंड्स जी एंड द हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई टू इनिशिएट क्विक सैंड कंडीशन इन द सैंड लेयर हैविंग पोरोसिटी ऑफ 30%. तो यहाँ पर गेट 2016 में ये प्रॉब्लम दिया गया था. पहले मैं यहाँ पर गिवन डेटा लिख देता हूँ. सो पोरोसिटी इज गिवन 30%, मीन्स आई कैन से इट्स 0.3. उसके बाद हमें यहाँ पर दिया गया है स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जी दिया गया है. तो क्या मैं यहाँ सबसे पहले 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई से यहाँ से वॉइड रेशियो की वैल्यू निकाल सकता हूँ क्या? तो यहाँ से मुझे वॉइड रेशो कितना मिलता है देखते हैं. 1 माइनस 0.3 इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई. सो 1 प्लस ई इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 0.7. तो यहाँ से मैं आपको ई का वैल्यू बता रहा हूँ. व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ई? ई इज द वॉइड रेशियो, ईटा इज द पोरोसिटी. तो ये रिलेशनशिप मुझे पता है, फंडामेंटल रिलेशनशिप है पोरोसिटी और वॉइड रेशियो के बीच में. तो यहाँ से मैंने आपका वॉइड रेशो का वैल्यू निकाल दिया है. ये वैल्यू में जो मिल रहा है यहाँ पर 1 प्लस ई का वैल्यू मैंने निकाला है, दैट इज 1.43. ठीक है, ये वॉइड रेशो प्लस 1 का वैल्यू मैंने निकाला है 1.43. अच्छा, उन्होंने मुझसे पूछा क्या है कि क्विकसैंड कंडीशन में क्या इक्वेशन बनता है. तो मैं जानता हूँ जब भी क्विकसैंड कंडीशन हो रहा है मतलब आपके इफेक्टिव स्ट्रेस क्या हो चुके हैं, जीरो हो चुके हैं. इफेक्टिव स्ट्रेस यदि आपके जीरो बन जाते हैं, इन दैट केस व्हाट विल हैपन, उस सिचुएशन में आपको हाइड्रोलिक ग्रेडियंट जो होता है वो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट बन जाता है. जैसे इफेक्टिव स्ट्रेस हम जानते हैं जीरो होते हैं, तो क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो इक्वेशन मुझे मिलता है दैट इज जी माइनस वन डिवाइड बाय वन प्लस ई. स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ सॉइल सॉलिड जो है वो जी है, पता है हमें. माइनस वन डिवाइड बाय 1 प्लस ई का वैल्यू मैं निकाल चुका हूँ यहाँ पर, दैट इज 1.43, और यह है आपका क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट आई. यहाँ पर यदि मैं इक्वेशन जो उन्होंने पूछा है वो जी की इक्वेशन निकालने को कहा है, सो जी का इक्वेशन क्या बनता है, 1.43 आई सी प्लस 1. तो उन्होंने आई सी को आई के फॉर्म में ही शो कर रखा है. तो यहाँ पर मुझे इक्वेशन मैच कर रहा है इन द गिवन ऑप्शन में आंसर नंबर सी. ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस पर्टिकुलर क्वेश्चन. एक प्रॉब्लम और यहाँ पर हम सॉल्व करते हैं जो कि गेट 2011 में पूछा गया था फॉर 1 मार्क. एंड द क्वेश्चन इज
For a saturated sand deposit, the void ratio and the specific gravity of soil solids are 0.7 and 2.67. तो यहाँ पर आपको void ratio और specific gravity दे रखा है. The critical upward hydraulic gradient for the deposit would be, और critical hydraulic gradient का value पूछा है. So simple formula आपको लगाना है यहाँ पर भी. तो आप देख सकते हैं यहाँ पर मुझे स्पेसिफिक ग्रेविटी जो दे रखा है इस प्रॉब्लम में दैट इज 2.67, उसके बाद वॉइड रेशियो भी मुझे दे रखा है दैट इज 0.7. मैं सिंपल फार्मूला लगाता हूँ दैट इज जी माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई से. तो यहाँ पर 2.67 माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस 0.7 मुझे आंसर यहाँ पर मिल जाता है. इफ़ आई सॉल्व आई शुड गेट द वैल्यू 0.98. सो आंसर मुझे मिल रहा है यहाँ पर 0.98, और यही आपका आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी. एक प्रॉब्लम और जल्दी से हम इस पर सॉल्व करते हैं जो कि प्रीवियस ईयर्स में पूछा गया था. एंड द प्रॉब्लम वॉज आस्क्ड इन द ईयर ऑफ 2006 में ये प्रॉब्लम पूछा गया था फॉर 1 मार्क. एंड द प्रॉब्लम इज टू प्रोवाइड सेफ्टी अगेंस्ट पाइपिंग फेल्योर with a factor of safety of 5, what should be the maximum permissible exit gradient for soil with a specific gravity of 2.5 and the porosity of 0.35? So, यहाँ पर ये जो problem है हमें solve करना है. तो यहाँ पर हम given data देखते हैं इस problem के लिए. So, given data we have specific gravity दे रखा है मुझे 2.5 और porosity दे रखा है 0.35. इसी के साथ में हमें यहाँ पर फैक्टर ऑफ सेफ्टी भी दे रखा है अगेंस्ट द पाइपिंग फेलियर दैट इज 5. तो यहाँ पर मुझे क्या करना है, मुझे एक फार्मूला याद है फैक्टर ऑफ सेफ्टी का अगेंस्ट द पाइपिंग फेलियर दैट इज क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाय एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. अब हमें यहाँ पर क्या निकालना है, वी वॉन्ट टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट. तो उस केस में फार्मूला बन जाएगा हमारे पास एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज इक्वल टू फैक्टर ऑफ सेफ्टी डिवाइड बाय क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी. सो यहाँ पर अब हम क्या करते हैं, सबसे पहले क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का वैल्यू निकालते हैं. क्रिटिकल हाइड्रोलिक ग्रेडियंट का जो फॉर्मूला होता है दैट इज जी माइनस 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई होता है डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज ऑलरेडी गिवन. यहाँ पर देखते हैं जी कितना दे रखा है, 2.5 दे रखा है माइनस 1 इनटू क्या 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई को पोरोसिटी इज गिवन. इफ यू वांट यू कैन कैलकुलेट यूजिंग द इक्वेशन 1 माइनस ईटा इज इक्वल टू 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई. क्या मैं यहाँ पर 1 डिवाइड बाय 1 प्लस ई को 1 माइनस ईटा लिख दूँ? सो ईटा का वैल्यू है आपके पास 0.35. तो डिवाइड बाय फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज गिवन इक्वल टू 5. इफ यू सॉल्व दिस इक्वेशन यू विल बी गेटिंग द वैल्यू ऑफ एग्जिट हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इक्वल टू क्या मिलता है वैल्यू, हमें मिलता है 0.195 एंड इट इज मैचिंग विथ योर ऑप्शन नंबर सी. सो योर आंसर इज फॉर दिस प्रॉब्लम ऑप्शन नंबर सी. सो व्हाट वी हैव सीन इन दिस वीडियो, वी हैव सीन कि आपका जो क्ले होता है उसमें क्विक क्ले कंडीशन पॉसिबल नहीं है, उसमें पाइपिंग फेल्योर पॉसिबल नहीं है. ग्रेवल की बात करूँ तो क्विक ग्रेवल कंडीशन पॉसिबल नहीं है, उसमें पाइपिंग फेल्योर पॉसिबल नहीं है. ये जो कंडीशन है, ये जो टाइप ऑफ फेल्योर है पाइपिंग फेल्योर, इट इज़ पॉसिबल ओनली इन द केस ऑफ सैंड्स. वाई? बिकॉज सैंड हैज़ नो कोहेजन, राइट? सैंड हैज़ नो कोहेजन, जिसके कारण यदि इफेक्टिव स्ट्रेस जीरो होते हैं किसी कारणवश जब वाटर ऊपर के डायरेक्शन में फ्लो करता है तो साथ ही साथ में उसकी शेयर स्ट्रेंथ भी पूरी तरीके से क्या हो जाती है, सॉइल की जीरो हो जाती है, जिसके कारण वाटर के साथ ही सॉइल पार्टिकल्स भी फ्लो करने लगते हैं. इसके बाद हमने इस क्विकसैंड कंडीशन पर बेस्ड कुछ गेट के नंबर ऑफ प्रॉब्लम सॉल्व किए. ओके, थैंक यू.